मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलिए, पीने का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गांवों में भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब से गरीब को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये आपका हक है कि नहीं है? यहाँ की सरकार ने काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हुआ क्या? हर घर जल पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ये टीएमसी सरकार को दी, और दबा करके बैठ गई है सर। ये दिखाता है कि टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल की बेटी के साथ अन्याय करने वाले लोग, क्या उनको माफ किया जा सकता है? भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। ये हुगली अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि बीते दशकों की अव्यवस्था ने पश्चिम बंगाल को किस हाल में पहुंचा दिया है। हुगली जिला तो भारत में उद्योगों का एक प्रकार से हब था। हुगली के दोनों किनारों पर जूट इंडस्ट्री थी, आयरन और स्टील मशीनों के बड़े बड़े कारखाने थे, बड़े पैमाने पर यहां से निर्यात होता था। लेकिन अब आज हुगली की क्या स्थिति है ये आप भली भांति जानते हैं। एक समय था जब पूर्वी भारत के अनेक लोकगीतों में, घर घर में माताएं बहनें किसी भी शुभ अवसर पर जो गीत गाती थी वो अब हमारे गांव हमारे घर में आएगी। ऐसे गीत बंगाल के बाहर, उड़ीसा हो, बिहार हो, आंध्र तेलंगाना तक, इधर आसाम नॉर्थ ईस्ट, लोग घर में गाते थे। ये कलकत्ता की कीर्ति थी उस जमाने में। अब ये सब बदल गया। अब इस औद्योगिक शहर के निवासियों को, बंगाल में बहुत से निवासियों को काम करने के लिए दूसरों के यहां, दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। इस स्थिति को बदलने का काम बंगाल में बनने वाली और जो सरकार बनाना आपने ठान लिया है, जो सरकार बनाना आपने तय कर लिया है, वो भाजपा सरकार बनते ही उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाएगी। भाजपा सरकार औद्योगिक विकास की नीतियों में बदलाव करेगी, तेजी से निर्णय लिए जाएंगे, इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
साथियों, एक दौर था जब पश्चिम बंगाल की जूट मिले देश की अधिकांश जरूरतों को पूरा करती थी, लेकिन इस इंडस्ट्री को भी अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, जबकि इससे हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे गरीब, उनका इस व्यवसाय से सीधा नाता था। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, तब से जूट किसानों की विशेष चिंता की गई है। अब तो गेहूं की पैकेजिंग में भी जूट के बोरों को कंपलसरी किया गया है। चीनी की पैकिंग के लिए भी बड़ी मात्रा में जूट का उपयोग हो रहा है। साथियों, हुगली के आलू किसान जो यहां की शान रहे हैं, उनकी स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। यहां के आलू और धान, इसके जो किसान हैं, उन किसानों को कौन लूट रहा है, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं।